सपा ने अंबेडकर और मायावती का अपमान किया, भाजपा ने मायावती को बचाया, मोदी ने हर बिरादरी का सम्मान किया, प्रयागराज में सफाई कर्मी के पैर धोकर अनुसूचित जाति का सम्मान किया, वहीं सामान्य जाति के गरीबों को 10% का आरक्षण दिया, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, सपा बसपा तो कांग्रेस की बैसाखी बनेगी। ये बातें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। दिखाया हमारी सेना ने दिखाया है, भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है। जो काम अमेरिका अभी तक करता था कि अपना दुश्मन अगर उनका पाकिस्तान उसमें बिन लादेन छिपा था तो अमेरिका के उनके सैनिक आते हैं, उनके कमांडो आते हैं, पाकिस्तान में घुस करके उसमें बिन लादेन को मारने का काम करते हैं। वही काम आज भारत की शक्तिशाली सेना 70 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री के कारण से आज आदेश है सेना को खुला कि अगर मेरे देश के नागरिकों का, अगर मेरे देश के जवानों का खून बहता है तो मुझे खून की एक एक खून का बदला चाहिए। समय स्थान तरीका सेना अपने आप चुने, लेकिन जिसने भी आतंकवादी हमला किया है उससे बदला लेना है, वह चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा, चाहे एयर स्ट्राइक करना पड़ा, वह करके बदला लेने का काम और भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। और भारत ने यह बता दिया है कि आतंकवादी अगर भारत में आएगा तब भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और आतंकवादी अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों की पैदा करने वाली फैक्ट्री में होगा तो वहां पर भी चाहे 1,000 किलो के बम गिरा करके मारे, लेकिन वहां पर भी मारने का काम करेंगे। या जो भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है, उस भारत के प्रधानमंत्री के साथ आज पाकिस्तान और चीन को छोड़ दो तो पूरा विश्व खड़ा, और पाकिस्तान के साथ पूरा विपक्ष, कांग्रेस से पूरा विपक्ष। कभी कभी तो मुझे लगा करता है कि हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों की फैक्ट्री में जो बम गिराए हैं, शोक तो उनको बनाना चाहिए पाकिस्तान वालों का, जहर वसूल तो जैसे बम जैसे संगठनों को, और जिस दिन बम हमारी सेना के बहादुर जवानों ने गिराने का काम किया उस दिन शोक में डूब गए कांग्रेसी सपाई बसपाई। आज विचार करने का विषय है कि जब सपा बसपा में केंद्र में सरकार बना नहीं सकती तो क्या इनको अपना वोट दे करके बर्बाद करने का काम करना है क्या? एक भी सीट अगर ये जीत जाए तो ये कांग्रेस का सपोर्ट करने का काम करेंगे, और अब देश को गोली का जवाब गोला से देने का आदेश देने वाला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, संसद में बैठ करके आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। विचार करने का विषय है। आज देश में ताकत के रूप में खड़ा होने का मौका मिला है, देश को दुनिया के उन विकासशील देशों की पंक्ति में खड़े होने का मौका मिला है, देश को एक अलग पहचान बनाने का मौका मिला है। हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के जो कहीं पर भी लड़ाई में नहीं। आपने देखा होगा कल पहले चरण के 81 सीटों का मतदान हुआ है। आज अभी मैं सुबह सुबह टीवी देख रहा था, मायावती जी ने कहा कि वोट डालने से रोका गया है और बूथों पर कब्जा किया गया है, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। मैंने कहा यह बात तो मायावती जी और अखिलेश जी को और राहुल गांधी जी को 12 अप्रैल से ही बोलना शुरू कर दे रहे हैं। 23 मई को रिजल्ट आएगा, इनको हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब है, जीत जाए तो मोदी जी की लहर खत्म हो गई। मतलब इनके जो ये विचार है, इनके विचार को जवाब देने की ताकत इस लोकतंत्र में आपके पास है। भारी मतदान कल भी हुआ था और इससे अधिक मतदान हो, भारी संख्या में लोग निकले, कमर के फूल की बटन दबा करके हमारे भाई कंवर सिंह कंवर जी को यहां से सांसद और मेरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे यही निवेदन करके जाऊंगा कि आने वाली 18 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, इस देश की 136 करोड़ जनता के हृदय सम्राट
माननीय नरेंद्र मोदी और कमर का और यह निवेदन करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम, बोलिए जय श्री राम।